सनातन विरोधियों को बागेश्वर बावा ने चेताया, कहा सनातन विरोधियों के दिन हो गए हैं पूरे। काशी को लेकर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बीते दिन वाराणसी पहुंचे। वाराणसी आगमन पर धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बागेश्वर धाम वाले बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद मांगा। गर्भगृह में प्रवेश करते ही बागेश्वर धाम वाले बाबा का पुजारी ने अभिनंदन किया। उन्होंने भगवान को नमन कर विश्व कल्याण की कामना की। धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी थी। बड़ी संख्या में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक भी पहुंचे हुए थे। इन सब के बाद धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के विरोधियों पर जमकर बरसे। तो अब आप जान लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन विरोधियों को क्या कहकर चेताया। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन विरोधियों का दीपक बुझने वाला है, इसलिए वे बार बार सनातन पर हमला कर रहे हैं। सनातन धर्मावलंबियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बालाजी पर विश्वास रखे, सनातन का विरोध करने वालों के दिन पूरे हो गए हैं। भारत एक हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह डाला कि काशी में खुलेआम मांस मछली की बिक्री हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री बनारस आने के साथ एयरपोर्ट से सीधे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे थे, जहां सनातन विरोधियों को जमकर लतारा। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार मंत्रियों से लेकर अभिनेता तक ने सनातन विरोध में आपत्तिजनक बयान दिए हैं, जिनको लेकर बागेश्वर बाबा सीधे ये कह दिया है कि सनातन का विरोध करने वालों के दिन पूरे हो गए हैं।